प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में क्वाड शिखर सम्मेलन में कहा, समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी बनाना क्वाड देशों की साझा प्राथमिकता। दंतेवाड़ा पुलिस ने लोन वर्राटू अभियान ने जीता जनता का विश्वास, चार माओवादी दंपति सहित कई नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने दुर्ग केंद्रीय जेल पहुंचकर कवर्धा के आगजनी और हत्याकांड के मामले में बंदी महिलाओं से की मुलाकात। और कांकेर जिले के अंतागढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े महाविद्यालयीन युवाओं ने स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को किया जागरूक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं देबागनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब दुनिया तनाव और संघर्ष से जूझ रही है, तब ये जरूरी है कि क्वाड देश साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए मानवता के लिए एकजुट होकर कार्य करें। श्री मोदी अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान क्वाड शिखर सम्मेलन में कहा कि समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी बनाना क्वाड देशों की साझा प्राथमिकता है। उल्लेखनीय है कि क्वाड मूलतः भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड समूह किसी के विरुद्ध नहीं है और ये नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सम्मान और सभी मुद्दों के हल के लिए तत्पर है। मेरे तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही आज क्वाड समिट में मित्रों के साथ भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्वाड की 20वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने शहर विल्मिंगटन से बेहतर जगह नहीं हो सकती। एमटेक जो के रूप में आप जिस प्रकार से इस शहर और डेलावेयर से जुड़े रहे हैं, कुछ वैसा ही रिश्ता आपका क्वाड से भी रहा है। आपके नेतृत्व में 2021 में पहली समिट का आयोजन किया गया और इतने कम समय में हमने अपने सहयोग को हर दिशा में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं क्वाड के लिए आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता, आपके नेतृत्व और आपके योगदान के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले कल रात प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री बाइडेन ने सम्मान स्वरूप इसका आयोजन डेलवेयर में अपने आवास पर किया। घंटे भर चली बैठक में दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक कार्यनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के लिए नई संभावनाओं की तलाश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय और कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे नवीनतम तकनीक के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे। दंतेवाड़ा पुलिस के चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान ने जनता का विश्वास जीता है। पुलिस की अपील का माओवादियों पर व्यापक असर हुआ है और इस अभियान से प्रभावित होकर चार माओवादी दंपति सहित कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने लोन वर्राटू अभियान की सफलता पर जानकारी दी। चारों को अगर मिला लें तो कुल जो चारों के ऊपर शासन द्वारा जो घोषित इनाम टोटल 20 लाख रुपीज है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो पुनर्वास नीति है उनके तहत प्रोत्साहन राशि की तरफ से टोटल हर एक को प्रत्येक को 25,000 रुपये दिया जाएगा। इसी के तहत मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो सीआरसी टीम के जो सदस्य हैं विभिन्न मुठभेड़ों में ये रहे हैं। सीआरसी जो कंपनी है, ये इनका मुख्य तौर पर दक्षिण बस्तर में इनका एरिया है वर्क यहाँ पे लोग काम करते हैं। और तेलंगाना स्टेट कमेटी के जो शीर्ष जो उनके बड़े लीडर्स हैं माओवादी के, तो उनकी प्रोटेक्शन में रहते हैं।
दंतेवाड़ा पुलिस के मुताबिक लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 197 इनामी सहित कुल 872 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। महिला आयोग की अध्यक्ष किरण मी नायक ने दुर्ग केंद्रीय जेल पहुंचकर कवर्धा जिले के लोहारडीह में हुई आगजनी और हत्याकांड के मामले में बंदी महिलाओं से मुलाकात की। उन्होंने महिला बंदियों से चर्चा कर उनका बयान दर्ज किया। श्रीमती नायक ने बताया कि पुलिस ने दुर्ग के 33 महिलाओं को बंदी बनाकर रखा है, जिसमें से 30 महिलाओं के शरीर पर चोट के गंभीर निशान हैं। यहां से जाकर वो अपनी जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्यपाल को सौंपेंगी। तो मैं जो बेसिक जानकारी आपको देना जरूरी समझती थी वो ये है कि पुलिस ब्रुटैलिटी तो जबरदस्त हुई है, सबके बयानों से ये बात आई है, और रात के 12 बजे के लगभग सबके घर का दरवाज़ा तोड़कर पुलिस घुसी है और खींच खींच कर घसीट घसीट कर निकाला है और मारा है महिलाओं को, और उसके बाद रेंगागार थाने में भी उनको किसी को डंडे से, किसी को बेल्ट से, किसी को पट्टे से मारा है, और उसके निशान भरपूर अभी भी भरे हुए हैं। 16 तारीख की घटना है और आज 21 तारीख, लगभग 6 दिन होने जा रहे हैं। और ताज्जुब की बात है, जो एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था जिसने गांव में अभी मृतक की मां ने अपना बयान दिया था, वो लेडी आज भी है। उसने बताया कि जब बेटे की मृत्यु हो गई थी तो उसे जेल से ले गए थे अंतिम संस्कार के लिए, और उसके बाद फिर उसको उसी दिन जेल पर ले आए हैं। तो ये किस प्रोसीजर के तरफ से लाए हैं, ये थोड़ा सा मुझे भी समझना पड़ेगा। गौरतलब है कि कवर्धा के लोहारडीह में हुई आगजनी और हत्याकांड के बाद पुलिस की पिटाई से एक युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद से राजनीतिक भी गरमाने लगी है। इस मामले में पुलिस ने 150 से अधिक ग्रामीणों के खिलाफ FIR दर्ज की है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते अगले खबरों की ओर। कांकेर जिले के अंतागढ़ स्थित शासकीय लाल कालिंद महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वच्छता पखवाड़ा के तहत श्यामनगर नयापारा में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। यहां छात्र छात्राओं ने गली मोहल्ले में मौजूद कचरा और अपशिष्ट इकट्ठा कर डस्टबिन में डाला, वहीं नाटक नुक्कड़ खेल कर लोगों में स्वच्छता का संदेश दिया। लोगों ने दीवारों पर स्वच्छता संदेश भी लिखे। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रशांत कुमार रंगारी ने आयोजन के महत्व पर रोशनी डालते हुए जानकारी दी। भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा जो है वो मनाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई महाविद्यालय अंतागढ़ के द्वारा 22 तारीख को और इससे पहले 17 तारीख को साफ सफाई का अभियान रखा गया था। वर्तमान में आज जो है हमारे स्वयं सेवकों द्वारा श्याम नगर के गली में सफाई की और साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों में स्वच्छता का संदेश दिया। इस अभियान से जुड़े कॉलेज विद्यार्थी भी बेहद उत्साहित हैं। इन युवाओं का मानना है कि ऐसी छोटी छोटी मुहिम से लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता आएगी। मैं आज हमारे इस स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज हम इस श्यामनगर में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें हम स्वच्छता के तहत लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको स्वच्छता के महत्व को बता रहे हैं, साथ ही हम उनको उनके यूजेस, उनके जो बेनिफिट हैं उसके बारे में भी हम उन्हें बता रहे हैं कि स्वच्छता के जरिए हम अपने घरों को, अपने आसपास कैसे सफाई रख सकते हैं एवं उसके जो फ़ायदे हैं, इस जिससे कि हमें कई सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं, इसके तहत हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 22 सितंबर है, 22 सितंबर को हम लोग स्वच्छता कार्यक्रम श्यामनगर में चला रहे हैं, जिसमें आज हम लोग खुद को स्वच्छ कैसे रखते हैं और अपने आसपास को स्वच्छ कैसे रखते हैं इसके बारे में लोगों को जागरूक करा रहे हैं, जिसमें हम लोग नुक्कड़ नाटक के और आसपास की सफाई, साफ सफाई के और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे महाविद्यालय की तरफ से आज हम स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। आज हमारे महाविद्यालय की तरफ से स्वच्छता के
स्वच्छता के बारे में एक नाटक के द्वारा भी समझाया गया और मैं स्वच्छता के बारे में दीवार में लिख कर लोगों के प्रति जागरूकता जागृत करना चाहती हूँ, ताकि मैं जो दीवार में लिखती हूँ उसे लोग पढ़कर स्वच्छता के बारे में समझ सके और उसका महत्व समझ सके। राष्ट्रीय सेवा योजना का यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है और इसका मकसद भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देना है। जांजगीर के जिला एवं सत्र न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। इस दौरान यहां लंबे समय से चले आ रहे बैंक से संबंधित मामले, पारिवारिक व जमीन संबंधी विवाद, बीमा दावे, बिजली बिल, पति पत्नी के आपसी विवादों से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। लोक अदालत में लिए गए फैसलों के संबंध में फैमिली कोर्ट के एडिशनल प्रिंसिपल जज विवेक कुमार तिवारी और विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रियंका अग्रवाल ने जानकारी दी। जानते हैं कि लोक अदालत के माध्यम से जो मामले का निराकरण होता है उसमें आगे कोई अपील होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि कोई विवाद बचा ही नहीं है। ऐसे जो मामले निराकृत होते हैं न्यायालय में, फैसला किसी पक्ष में आता है, जो दूसरा पार्टी असंतुष्ट रहता है तो ऊपरी न्यायालय में जाता है, फिर वहाँ से भी कोई यदि संभावना है तो ऊपर जाता है, तो एक चेन बना रहता है और पारिवारिक शांति भी भंग होती है। तो बहुत अच्छा है, इसीलिए बीच बीच में इसका आयोजन किया जाता है। हम लोग भी प्रयास रहता है जो हो सके उसको किया जाए। लोक अदालत का जो मुख्य मकसद होता है, न्यायालय में जो बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं उसमें से ऐसे प्रकरण को छाट कर रखा जाता है जिसमें राजीनामा होने की संभावना होती है, और राजीनामा उन प्रकरणों में करवाया जाता है आज के दिन में स्पेशली उसको बुला करके। तो इसलिए आज का हमारा जो आयोजन है ये काफ़ी सफल रहा, सभी पक्षकारों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और आगे भी इसी प्रकार का हम प्रयास जारी रखेंगे। लोक अदालत में विवादों के निपटारे पर पक्षकारों में खुशियों का माहौल है। यहां पहुंची पक्षकार उषा खूंटे ने बताया कि यहां पारिवारिक विवाद के निपटारे के बाद अब उनके बच्चों का भविष्य बेहतर बन पाएगा। 4 साल से हम लोग का विवाद चल रहा था हम लोग के परिवार वालों की वजह से, फिर हम लोग सोचे कि इसमें बच्चे लोग का भविष्य खराब होगा, इसलिए हम लोग ने समझौता कर लिया और फिर एक साथ रहने लगे हैं। अभी 3 ही महीने हुआ है हम लोग को साथ रहते हुए, बच्चे लोग को साथ में रखते हैं और पढ़ाते लिखाते हैं। आज हम लोग का आखिरी वो था केस, इसलिए हम लोग खारिज करवाने आए थे, अब केस खत्म हो गया हम लोग का। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी चर्चा के बाद समझौता होने पर प्रकरणों का खात्मा किया गया है। पक्षकारों ने प्रकरणों में समझौता होने संतोष जाहिर किया है। टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मुकाबला 280 रन से जीत लिया है। इस जीत से टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरा मुकाबला 27 सितंबर के कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में मुकाबले के चौथे दिन भारतीय टीम ने रविवार को 515 रन के लक्ष्य का सामना कर रही बांग्लादेश को दूसरी पारी में 234 रन पर ऑल आउट कर दिया है। इससे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरी पारी 4 विकेट पर 287 रन पर घोषित की और बांग्लादेश को 515 रन का लक्ष्य दिया। टीम इंडिया ने पहली पारी में 376 रन बनाए थे, जवाब में बांग्लादेशी की पहली पारी 149 रन पर सिमट गई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में क्वाड शिखर सम्मेलन में कहा, समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी बनाना क्वाड देशों की साझा प्राथमिकता। दंतेवाड़ा पुलिस के लोन वराटो अभियान ने जीता जनता का विश्वास, 4 माओवादी दंपत्ति सहित कई नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने दुर्ग केंद्रीय जेल पहुंचकर कवर्धा की आगजनी और हत्याकांड के मामले में बंदी महिलाओं से की मुलाकात। और कांकेर जिले के अंतागढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े महाविद्यालयीन युवाओं ने स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को किया जागरूक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।